यूएस सिंह मस्टर्ड ब्रेड है। मैं अभी मस्टर्ड की कुछ चीजें बता रहा हूँ, कुछ जनरल चीजें जो हमें सबको फार्मर्स को हमें सबको मालूम होना चाहिए। देखिए, ऑयल सीड मस्टर्ड इंडिया में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है। हमारे भारतवर्ष की आबादी को देखते हुए जो मस्टर्ड है, जो एडिबल ऑयल है, जो खाद्य तेल है, इसका उत्पादन कम है। पॉपुलेशन जितना हमारी है उसको खिलाने के लिए 50% तेल हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। 50% ही हम खाली खिला पाते हैं अपने भारतवर्ष के पॉपुलेशन को देखते हुए। अभी एक हमने रिसेंटली डाटा देखा था कि 2030 2030 तक पूरा भारत को तेल के मामले में संपन्न होने के लिए 103 मिलियन टन तेल की जरूरत है, पड़ेगी 2030 में। बट आज हमारा स्थिति क्या है, 11-12 मिलियन टन पे ही हम हैं। तो हमें इस हिसाब से तेल का, खाद्य तेल का के मामले में आगे बढ़ना है, जिससे हम पूरा देश के लिए खाद्य तेल की कमी को पूरी करी जा सके। इसी दिशा में हमारा प्रयास है। नुजीवडू सीड्स ने 2-3 हाइब्रिड निकाला है मस्टर्ड में, जो इसी दिशा में बढ़ते हुए अगले कदम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं भारत में मस्टर्ड ग्रोइंग जोन कौन कौन से हैं। देखिए, पूरे भारत में हर जगह मस्टर्ड तो लगाई नहीं जाती है, इसके लिए 6 जोन बनाए गए हैं। पहला है, पूरे भारत में पहला जोन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जोन 1 किस में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? जोन 1 में जम्मू कश्मीर आता है, J&K और हिमाचल, जिनका शेयर भी बहुत कम है। और जोन 2 इंपॉर्टेंट जोन है, इसके अंदर जम्मू कश्मीर आता है, पंजाब आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है और दिल्ली। ये जोन 2 है। और जोन 3, 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपी, अच्छा इसके भी मैं बता देता हूँ, यूपी में कानपुर, फैजाबाद, झांसी, वाराणसी मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी तरह लखनऊ, आगरा यूपी का है, और उत्तराखंड भी जोन 3 में आता है। एमपी, मुरैना, टीकमगढ़, राजस्थान में कोटा, भरतपुर और बिहार, ये जोन 3 है। इसी तरह जोन 4 है, 4 है, जो चौथा जोन है, राजस्थान का जाबनेर वाला एरिया जो होता है, वो गुजरात का जूनागढ़ और एसके नगर आनंद वाला एरिया, और महाराष्ट्र का जलगांव और नागपुर, ये जोन 4 है। इंपॉर्टेंट जोन है 2, 3, 4। और पांचवा जोन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इसमें जबलपुर, ढोली और वेस्ट बंगाल का बरहामपुर, भुवनेश्वर वगैरह आते हैं इस जोन 5 में। इस तरह पूरा भारत की जो जियोग्राफी है, ये 5 जोन में बटी हुई है मस्टर्ड के लिए। अब हम आ रहे हैं मस्टर्ड के बाद। देखिए, मस्टर्ड एक कूल सीजन क्रॉप है, इस कूल सीजन क्रॉप है, और ये उन जोन में होती है जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे होता है वहां की क्रॉप है। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, जो स्टेट हमने बताया अभी डिफरेंट जोन में, इनमें एरिया और एकरेज, एरिया और प्रोडक्शन, एरिया वाइज प्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। जो इंडिया है, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान अकेला स्टेट है जो 40% एकरेज में मस्टर्ड लगती है। जो जितना मस्टर्ड का एरिया है उसमें 40.7% मस्टर्ड लगती है। और सेकंड नंबर पे आता है एमपी और यूपी, यूपी सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे यूपी है। एमपी में 12% एरिया में मस्टर्ड है और यूपी में है 11.2%।
उसके बाद वेस्ट बंगाल और हरियाणा वगैरह आते हैं। उसी तरह प्रोडक्शन के मामले में हम देखते हैं तो प्रोडक्शन के मामले में भी राजस्थान 45% प्रोडक्शन राजस्थान में होता है मस्टर्ड का। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश जिसमें 11% होता है, हरियाणा में 12% होता है, यूपी में करीब 11% प्रोडक्शन होता है। ये तीन चार मेजर स्टेट हैं जहाँ पे मस्टर्ड का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है और उनकी एरिया भी है। बाकी अदर स्टेट में बहुत कम शेयर है इसका। इसके बाद हम आते हैं इसकी सोइंग टाइम और थोड़ा सा कल्चरल प्रैक्टिसेस पे आते हैं मस्टर्ड के। देखिए जैसे मैंने बताया कि एक कूल सीजन क्रॉप होती है, बेस्ट सुटेड फॉर टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द कंट्री। इसके लिए ऑप्टिमम सोइंग टाइम होता है जब हम टेम्परेचर देखते हैं, जब टेम्परेचर 15 से 25 के बीच में होता है, यानी सितंबर अक्टूबर के बीच में मस्टर्ड का सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है और उसी टेम्परेचर में हमें सोइंग कर देना होता है। सोइंग करने के लिए हमें इस चीज का पूरा इंश्योरेंस लेना होता है कि फील्ड में पूरा प्रॉपर मॉइस्चर है कि नहीं है। मॉइस्चर लेवल का पूरा इंश्योरेंस हमें लेना होगा, मॉइस्चर होना चाहिए। और सितंबर लास्ट से अक्टूबर मिड, दिस इज द राइट टाइम फॉर सोइंग। हमें इस तरह से तैयारी करके रखना चाहिए कि खेत में पूरा मॉइस्चर हो और सितंबर लास्ट से अक्टूबर के बीच में बढ़िया उपज लेने के लिए ये राइट टाइम है। और सोइंग कुछ सोइंग में बारीकी क्या क्या रखना चाहिए, जो हम सोइंग करते हैं सीड 2.5 से 3 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए और 20 से 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट जो हम मेंटेन करेंगे, 20 से 25 सेंटीमीटर रो प्लांट टू प्लांट हो। और रो टू रो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मस्टर्ड के लिए, वो 40 से 45 सेंटीमीटर हमें मेंटेन करना होता है। ज्यादातर हम फार्मर फील्ड पे देखते हैं, फार्मर क्या करता है, इतना सीड डाल देता है, न तो रो टू रो स्पेसिंग मेंटेन करता है न तो प्लांट टू प्लांट। उस केसेस में क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ जो होती है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचेस वगैरह रिड्यूस हो जाती हैं, यील्ड कम आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें ये चीज जरूर ध्यान में देना चाहिए, रो टू रो स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट और सीड डेप्थ और प्रॉपर मॉइस्चर सोइंग के लिए। अच्छा, रिकमेंडेड सीड क्वांटिटी, ये डिपेंड करता है वे ऑफ फर्स्ट सोइंग। कुछ लोग सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं, वहां 1 kg सफिशियंट है 1 एकड़ के लिए। कुछ लोग ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं, वहां पे 1.25 किलो डाल करते हैं, कुछ सीड ऊपर रह जाता है, कुछ ज्यादा डीप चला जाता है, जर्मिनेशन कम होता है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सीड रेट होना चाहिए। अगर सीड ड्रिल से कर रहे हो तो 1 किलो सीड मोर देन एनफ है, ब्रॉडकास्टिंग से कर रहे हो पर एकड़ तो 1.25 किलो कर सकते हैं। बट मॉइस्चर लेवल वगैरह ध्यान पर रखना है हमें, मॉइस्चर लेवल अच्छा हो, सीड ट्रीटेड हो तो बढ़िया, बिना ट्रीटेड सीड नहीं यूज करना चाहिए। इसके बाद फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये डिपेंड करता है फार्मर के सॉइल कैसी है, फील्ड कैसा है और उसकी उसकी फर्टिलिटी कैसा है। लेकिन इसके लिए भी बेटर यील्ड लेने के लिए रिकमेंड करते हैं हम 80 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास पर हेक्टेयर। और इसमें भी उसमें डालने का कुछ है तरीका अलग है। जो नाइट्रोजन है जो हम 80 kg रिकमेंड कर रहे हैं उसमें हाफ नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास एज ए बेसल डोज में हमें डाल देना होता है। उसके बाद जो आधा नाइट्रोजन बचा हुआ है वो फर्स्ट इरिगेशन के टाइम हम डाल देते हैं अच्छी उपज लेने के लिए। अब पहला जो फर्स्ट क्रॉप जर्मिनेट होके आ जाती है तो फर्स्ट इरिगेशन जो है 25 से 30 दिन के बाद हमें करना होता है। 25-30 दिन के बाद पहला इरिगेशन करते हैं, उसके बाद सेकेंड इरिगेशन है, 50-55 दिन में सेकेंड इरिगेशन हमें करना जरूरी है। अब उसके बाद थर्ड इरिगेशन डिपेंड करता है क्रॉप सॉइल कैसा है,
किस तरह का है उसके हिसाब से, अगर थर्ड जरूरी होता है तो 65-70-80 दिन के बाद थर्ड कर दो, अदरवाइज दो इरिगेशन काफी है। इसके बाद जो हम पहला पानी हम देते हैं, 25 से 30 दिन की क्रॉप होती है फर्स्ट इरिगेशन से पहले, एक और ऑपरेशन होता है थिनिंग का, क्योंकि मस्टर्ड देखो छोटे छोटे सीड होते हैं, सीडल से बोते हैं या ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो ज्यादा कुछ सीड ऐसे होते हैं कि एक जगह गिर जाते हैं, तो इसमें प्लांट टू प्लांट मेंटेन करने के लिए हमें एक एक प्लांट उखाड़ के उसको थिनिंग करके मेंटेन करना होता है। अगर नजदीक नजदीक पौधे हैं तो उसको थिनिंग करके 15-20 दिन की सोइंग के बाद 20-25 दिन पे उसको थोड़ा सा पॉपुलेशन मेंटेन करेंगे, ताकि बराबर सीड प्लांट टू प्लांट सही हो जाए। थिनिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इसमें देखो मेजर डिजीज, इसमें मस्टर्ड की कुछ मेजर डिजीज हैं जैसे व्हाइट रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, अल्टरनेरिया, एस्केलेटोनिया वगैरह, ये मेजर डिजीज हैं। इनके लिए बढ़िया है कि रेजिस्टेंट और टॉलरेंट वेराइटी या हाइब्रिड यूज करा जाए। दिस इज द ओनली बेस्ट वे फॉर क्रॉप प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दीज डिजीजेस। और मैं हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग का बता देता हूँ थोड़ा सा। हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग कब करते हैं, जब मस्टर्ड में जो फलियां होती हैं, छिलकुआ होते हैं, 75% एलोइंग आ जाती है उस पे, पूरा कैनोपी जब 75% एलोइंग आ जाती है तो दैट इज द बेस्ट स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करने के बाद मस्टर्ड क्रॉप को 3-4 दिनों के लिए खेत में ही छोड़ देते हैं उसको सूखने के लिए। उसके बाद 3-4 दिन छोड़ने के बाद जो सूख जाता है उस टाइम पे उसको थ्रेस करके उसको हम घर पे लाते हैं। ये इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद अब हम आ सकते हैं जो नोजीबुरु सीड्स के हाइब्रिड, जो 3 हाइब्रिड्स निकाले हैं इन्होंने, जो हमारे 3 हाइब्रिड हैं 90M01, इसके कुछ मेन फीचर्स हम बताएंगे। अभी जो हमने बताया ये सारी चीजें कॉमन है हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक हाइब्रिड के लिए कॉमन चीजें थी। अब थोड़ा इसका जो हाइब्रिड नंबर 90M01 है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह का हाइब्रिड है, इसके बारे क्या इसके खास खास करेक्टर्स हैं। इसमें देखिए प्लांट हाइट होती है 180 से 185 सेंटीमीटर का, बहुत बढ़िया प्लांट टाइप है, मोर नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रांचेज, लॉन्ग मेन शूट लेंथ भी काफी है, ग्रीनिश पूरा प्लांट टाइप है, प्राइमरी ब्रांचेज होती हैं 7 to 8। प्राइमरी ब्रांचेज क्या होती हैं, जो मेन प्लांट से फर्स्ट टाइम ब्रांच निकलती है दैट इज प्राइमरी ब्रांचेस, वो 7 to 8 होती हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस 35 to 40 तक होती हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस क्या होती हैं, जो प्राइमरी ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस निकलती हैं, प्राइमरी के ऊपर जो ब्रांचेस दैट इज सेकेंडरी ब्रांचेस, वो 35 to 40 होती हैं। मेन शूट लेंथ, जो मेन शूट लेंथ होती है वो होती है 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। और सिल्कवॉर्म मेन शूट, मेन शूट के ऊपर नंबर ऑफ फलियां वो 66 to 65 होती है। सिलकुआ लेंथ, सिलकुआ की जो फलियों की लंबाई है वो 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर तक होती है, और एक सिलकुआ में 16 से 18 सीड पर सिलकुआ होते हैं। सिलकुआ का एंगल जो होता है बिल्कुल ओपन होता है, सीड राउंड होता है, बोल्ड होता है, काफी बोल्ड सीड होता है, डार्क डार्क कलर्ड ब्राउन सीड होता है। इसका 1000 सीड वेट 6.5 से 7 ग्राम तक होता है, इतना मोटा दाना बढ़िया दाना है, 1000 सीड वेट 6.5 से 7 ग्राम तक होता है। और ऑयल कंटेंट 40 से 43 तक ऑयल कंटेंट्स होता है, ऑयल कंटेंट्स भी बहुत बढ़िया है इस हाइब्रिड के लिए। और ये टॉलरेंट टू ऑल फ्रास्ट डिजीज और ऑल टाइप ऑफ फंगल डिजीजेस, इवन दो फ्रास्ट फ्रास्ट के लिए भी इसके अंदर टॉलरेंस दिखी गई है। और इसकी एडेप्टिबिलिटी कंडीशन है कि जो हमने जोन पहले बताया था, जोन 2, 3, 4 एंड 5, ऑल द 4 जोन्स
ये बहुत ही अडेप्टेबल है, ये हाइब्रिड इन चारों जोन के लिए बहुत ही अडेप्टेबल है, बहुत हाई यील्डिंग है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है मजीवड़ू सीड्स का ये हाइब्रिड 90M01। धन्यवाद।